So let's see the chapter number 7, sports and history. Sports combine entertainment and physical exercise. स्पोर्ट्स में एंटरटेनमेंट भी होता है, मतलब हमको रिलैक्सेशन मिलता है, हमारा माइंड फ्रेश होता है और हमारे लिए फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है. टू प्ले इज अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट. हमको बचपन से ही एक मतलब खेलने का बहुत शौक होता है हर इंसान को. प्ले इज अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट. हेंस द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स बिगिंस विद द ओरिजिन ऑफ द मैनकाइंड. तो जब से लोग हैं दुनिया में तब से ही खेलने की शुरुआत हुई है, क्योंकि बिकॉज इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स. वेरियस गेम्स हैव बीन प्लेड सिंस द बिगनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन. बहुत सारे अलग अलग टाइप के गेम्स खेले गए हैं जब से इंसानों के सिविलाइजेशन शुरू हुए हैं. हंटिंग वॉज इंडीड अ वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फॉर एंशियंट पीपल, बट इट वॉज ऑल्सो लुक्ड अपॉन एज अ गेम एंड एंटरटेनमेंट. तो हंटिंग जो था वो वैसे तो फूड गैदर करने के लिए हंटिंग करते थे, बट वो भी एक गेम या एंटरटेनमेंट जैसा के रूप में भी उसको देखा जाता था. द एंशियंट इंडियन लिटरेचर एंड एपिक्स मेंशन वेरियस गेम्स सच एज गेम्स ऑफ डाइस, रेसलिंग, हॉर्स एंड चैरियट्स, रेसेस एंड चेस. तो बहुत सारी इंडियन एंशियंट गेम्स हैं, जैसे कि हम डाइस से कुछ गेम्स खेलते हैं, और रेसलिंग, हॉर्स राइडिंग और चैरियट रेसेस एंड चेस, वैसे बहुत सारे अलग अलग गेम्स के बारे में हम जानते हैं जो बहुत पहले के ज़माने से खेले आ रहे हैं अपने देश में. इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स. टू प्ले गेम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. इट एनेबल्स अस टू ओवरकम सफरिंग एंड वरीज. अगर हम बहुत परेशान हैं तो भी हम गेम खेल के हमको बेटर फील होता है, तो गेम्स खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है. गेम्स हेल्प अस टू रिलैक्स एंड रिफ्रेश आवर माइंड्स. गेम्स विच इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज प्रोवाइड गुड एक्सरसाइज एज वेल. गेम्स हेल्प इन बिल्डिंग अ टेनेशियस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी. तो जो गेम्स में बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटी होता है उससे हमारा एक्सरसाइज भी होता है और इससे हमारी बॉडी स्ट्रांग बनती है. प्लेइंग गेम्स ऑल्सो हेल्प अस इन डेवलपिंग करेज, डिटर्मिनेशन एंड स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट. तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है गेम्स का, कि हम बहुत स्ट्रांग बनते हैं, करेजियस बनते हैं, हमारा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है कि हमें जीतने की जिद होती है, एंड स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट भी आता है, मतलब हम हारे या जीते हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए या सब लोगों के साथ मिलकर खेलना चाहिए. तो बहुत सारे अच्छे क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप होते हैं खेलने से. गेम्स needing collective participation help us to develop a sense of cooperation and team spirit. जो भी हम टीम गेम्स खेलते हैं तो उससे हम सबके साथ अच्छे से बिहेव करना, अच्छे से मिंगल करके मिलजुल के चीज़ें करना, कोई गोल अचीव करना हम सीखते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग लीडरशिप. तो गेम्स से हमारी लीडरशिप क्वालिटीज भी डेवलप होती हैं. टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स. Indoor games are played within the closed environment and number of them are played by sitting at one place. तो indoor games जो वो होते हैं जो हम अंदर खेलते हैं, closed environment में खेलते हैं, और ज़्यादातर indoor games बैठ के खेलने वाले होते हैं. They include chess, card games, games played with gamesmen and dice and carom etc. तो जो भी हम खेलते हैं, ludo, सांप सीढ़ी, chess, carom, ये सारे indoor games हैं. The games known as various known by various names like kachkavdya or chaukabara, or as Indian ludo is very popular amongst the Indian games. The games known as sagar gote, played with a bunch of seeds and stones, is usually played by girls. There is another name known as भटुकली. तो ये सारे इंडोर गेम्स हैं. भटुकली प्लेइंग हाउस जो हम खेलते हैं, विच इज़ यूजुअली प्लेड बाय गर्ल्स. घर घर जो हम खेलते हैं, जो गर्ल्स खेलती हैं. हाउएवर ऑल द मेम्बर्स इन द फैमिली कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इट, स्पेशली इन द मॉक वेडिंग ऑफ द गर्ल डॉल एंड द बॉय डॉल. तो मोस्टली गर्ल्स ऐसे गेम्स खेलती हैं, बट पूरी फैमिली भी पार्टिसिपेट कर सकती है, स्पेशली जब गुड़िया की शादी होने वाली हो. इट इज़ एन ओकेजन ऑफ फैमिली सेलिब्रेशन. तो पूरी फैमिली सेलिब्रेट करने लगती है जब किसी घर की बच्ची की गुड़िया की शादी होने वाली होती है.
Now we will see outdoor games. The outdoor games can be categorized into two types: Indian sports and international sports. Indian games include Langdi, Kabaddi, Atyapatya, Kho Kho, etc. ये सारे outdoor games हैं. Indian games like marbles, marbles मतलब कंचे से खेलना, लगोरी, विट्टी डंडू और गिली डंडा, भिंगारी, भोवरे, भवरे, फुगड़ी, जिम्मा आर क्वाइट पॉपुलर. ये सारे गेम्स पॉपुलरली सभी बच्चे खेलते हैं. ये सारे इंडियन गेम्स हैं. द इंटरनेशनल गेम्स इंक्लूड बैडमिंटन. इंटरनेशनल गेम्स इंक्लूड बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो एक्सेट्रा. ये सारे इंटरनेशनल आउटडोर गेम्स हैं. अमंग आउटडोर स्पोर्ट्स रनिंग रेसेस आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो आउटडोर स्पोर्ट्स में रनिंग रेसेस जो है वो पूरी दुनिया में हर जगह होती हैं रेसेस. स्प्रिंट्स और शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग रेसेस आर यूजुअली अरेंज फॉर 100 मीटर्स एंड 200 मीटर्स. तो स्प्रिंट्स जो होते हैं शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग वाले वो 100 या 200 मीटर्स के रेसेस होते हैं. देर आर ऑल्सो मिडिल डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस. तो मिडिल डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस भी कुछ होते हैं. मैराथन इज लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग रेस. मैराथन लॉन्ग डिस्टेंस है. मैराथन 40 किलोमीटर्स रन करना होता है मैराथन में. अदर टाइप्स ऑफ रनिंग रेसेस आर हर्डल्स एंड रिले रेस. तो हर्डल्स और रिले रेस आप लोगों ने भी स्कूल में खेला होगा. हर्डल्स वो होते हैं जब आपको कुछ ऑब्स्टिकल्स रख दिए जाते हैं बीच में और उस पे से आपको कूद कूद के जाना होता है. और रिले रेस में कुछ एक ऑब्जेक्ट होता है हाथ में जिसको हम अपने टीम्स मतलब दौड़ के जाके अपने टीम के दूसरे लोगों को पास करते जाते हैं और सब मिलके रेस कंप्लीट करते हैं. शॉटपुट, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, वाटर स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स, वाटर पोलो, रोइंग एंड स्पोर्ट्स दैट कम्बाइन फिजिकल एक्सरसाइज आर एक्रोबेटिक्स लाइक मल्ला कुंभ, रोप मल्ला कुंभ, जिमनास्टिक्स एक्सेट्रा आर ऑल इंक्लूडेड इन द आउटडोर स्पोर्ट्स बेस्ड ऑन द फिजिकल स्किल्स. ये सारे आउटडोर स्पोर्ट्स हैं और हमारे फिजिकल स्किल्स इसमें दिखाने का चांस मिलता है हमको. एडवेंचरस गेम्स आइस स्केटिंग, स्कीइंग, आइस हॉकी एक्सेट्रा आर पॉपुलर गेम्स दैट रिक्वायर बैलेंसिंग स्किल्स. ये बहुत पॉपुलर गेम्स हैं बट इसमें हमारी बैलेंसिंग स्किल्स हमको दिखानी होती है. देर आर मेनी अदर एडवेंचरस गेम्स विच इंक्लूड रॉक क्लाइंबिंग, ग्लाइडिंग, ऑटो रेसिंग, कार्स एंड मोटरबाइक्स एक्सेट्रा. तो ये सारे एडवेंचरस गेम्स हैं. अब हम स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स देखेंगे. स्पोर्ट कॉम्पिटिशन्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स. इट्स अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन. तो पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स होते हैं. स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन लाइक ओलंपिक्स, एशियन गेम्स ऑल्सो नोन एज एशियाड, पैरालंपिक एंड स्पेशल ओलंपिक्स फॉर डिसेबल्ड पीपल, क्रिकेट वर्ल्ड कप एक्सेट्रा आर ऑर्गेनाइज ऑन अ रेगुलर बेसिस. ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं जो बहुत रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. ऑल्सो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन फॉर मेनी अदर स्पोर्ट्स लाइक हॉकी, रेसलिंग, चेस एक्सेट्रा आर ऑर्गेनाइज ऑन अ ग्रैंड स्केल. तो ये जो स्पोर्ट्स हैं हॉकी, रेसलिंग, चेस ऐसे जो गेम्स हैं इनके भी बहुत ग्रैंड स्केल पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं या टूर्नामेंट्स होते हैं. इन इंडिया हॉकी एंड क्रिकेट आर वेरी पॉपुलर. इंडिया में हॉकी और क्रिकेट बहुत पॉपुलर गेम्स हैं. हॉकी इज़ अ नेशनल गेम. इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है. कॉम्पिटिशन ऑफ ऑल ऑफ दीज गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट लोकल, सिटी, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. ये सभी लेवल्स पे अलग अलग लेवल्स के टूर्नामेंट्स होते हैं. स्पोर्ट्स पर्सन हु परफॉर्म वेल इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हैव गुड करियर प्रोस्पेक्ट्स. तो जो लोग नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में बहुत अच्छा खेलते हैं उनके लिए बहुत अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं या उनके लिए गवर्नमेंट ऑफिसेज में कुछ सीट्स भी रिजर्व्ड होती हैं. ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स. द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन द 20th एंड द 21st सेंचुरी आर नेचुरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. द इंटरनेशनल मैचेस
ऑफ द वेरियस स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट फुटबॉल लॉन टेनिस कैन बी वॉच्ड ऑन द टेलीविजन इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. तो 20th and 21st century में ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरी दुनिया करीब आ गई है, या हम लोग किसी भी कोने में चल रही दुनिया के किसी भी कोने में अगर मैच चल रही है तो हम आराम से घर पर बैठ के देख सकते हैं. दस सिटीजन्स ऑफ नॉन पार्टिसिपेंट कंट्रीज ऑल्सो कैन इन्जॉय दीज मैचेस. तो अगर कोई कंट्री पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहा है तो भी वो अपने घर पर बैठ के मैचेस देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस द वर्ल्ड कप विनिंग मैच प्लेड बाय इंडियन क्रिकेटर्स वॉज वॉच्ड बाय क्रिकेट फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो जो विनिंग मैच था हमारे इंडिया का वर्ल्ड कप का मैच, वो पूरी दुनिया में जितने लोगों को क्रिकेट पसंद है सभी लोगों ने वो मैच इन्जॉय किया. स्पोर्ट्स फैंस स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोर्ट्स इकोनॉमी. तो क्योंकि हमारे पूरी दुनिया में बहुत सारे स्पोर्ट्स के फैंस हैं तो उनके वजह से स्पोर्ट्स की इकोनॉमी पे भी बहुत असर पड़ता है. मतलब क्योंकि जितने ज़्यादा लोग टिकट्स खरीदेंगे या जितने ज़्यादा लोग मैचेस देखेंगे टीवी पे उससे इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ता है. फैंस वॉच द मैचेस फॉर एंटरटेनमेंट. इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंपनीज लुक एट दिस एज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एडवर्टाइज देयर वेयर. तो जितने ज़्यादा लोग मैचेस देखेंगे उतने ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स आएंगे. तो दूसरे जो कमर्शियल कंपनीज हैं वो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे मार्केट कर सकते हैं. रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन ऑल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट एज कॉमेंट्रेटर्स. तो जो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पीपल होते हैं वो कॉमेंट्री भी कर सकते हैं. गेम मटीरियल एंड टॉयज. द मीन्स एंड द इक्विपमेंट्स ऑफ द एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन आर कॉल्ड टॉयज. तो जो भी चीज़ों से बच्चों को एंटरटेनमेंट और एजुकेशन मिलता है उसको हम टॉयज बोलते हैं. क्ले टॉयज हैव बीन फाउंड इन आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस. तो बहुत पुराने ज़माने के जो एक्सकवेशंस हम खोदते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग्स खोदते हैं, वहाँ पे भी हमको हम क्ले के टॉयज पाए जाते हैं. दीज टॉयज वर फैशन्ड आइदर बाय हैंड्स और बाय यूजिंग मोल्ड्स. तो ये टॉयज जो हैं पुराने ज़माने के, ये या तो हाथ से बनाए जाते थे या फिर कुछ सांचे में ढालकर बनाए जाते थे. डॉल्स आर मेंशनड इन द एंशंट इंडियन लिटरेचर. तो हमारा जो बहुत पुराना इंडिया का लिटरेचर है उसमें भी डॉल्स के बारे में मेंशन किया गया है. अ संस्कृत प्ले बाय शूद्रका इज नेम्ड एज मिर्चचा कातिका. इट मीन्स अ क्ले कार्ट. मतलब एक कार्ट जिसमें क्ले होती है उसका वो मीनिंग है. टॉयज एंड हिस्ट्री. टॉयज कैन थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. वी कैन ऑल्सो गेट अ ग्लिम्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस थ्रू देम. तो टॉयज जो होते हैं उससे हमको रिलीजन और कल्चर के बारे में भी पता चलता है. एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन दिवाली सेलिब्रेशन इन महाराष्ट्र मॉडल फोर्ट्स आर मेड. आप सबने देखा होगा कि इंडिया में जब दिवाली मनाते हैं तब काफी सारे बच्चे लोग घर में किला बनाते हैं. क्ले इमेजेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज सोल्जर्स एंड ऑल्सो पीपल एंड एनिमल्स आर प्लेस्ड इन द मॉडल फोर्ट्स. तो ये जो किले बनते हैं इसमें हम शिवाजी महाराज की और बाकी जो लोग हैं उनके सबके छोटे छोटे टॉयज रखते हैं या उनके मॉडल्स रखते हैं. दिस ट्रेडिशन कीप्स द मेमोरी अलाइव ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द फोर्ट्स इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र. तो इससे क्या होता है कि हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट किले हैं या जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं महाराष्ट्र के हिस्ट्री के, वो सब चीज़ों को हम जिंदा रखते हैं, उनकी मेमोरीज को हम जिंदा रखते हैं.